संतान की विशेषताओं का वर्णन शास्त्रों में भिन्न भिन्न ढंग से किया गया है। इस वरदायिनी वेद माता के मंत्र में संतान को प्रजा कहा गया है। प्रकृष्टतया जायते इति प्रजा, जिसके अंदर सभी प्रकार की महानताएं हों, ऐसी संतान, ऐसा बेटा और ऐसी बेटी या ऐसा शिष्य। आपके सामने मैं चर्चा कर रहा था, उस लोहार ने उस महापुरुष के कहने पर अपने बच्चे के ऊपर पूरी शक्ति रखी और वो बच्चा नाराज होकर घर से गया। उसने 5 दिन तक लगातार मजदूरी करके 10 रुपया कमाकर घर में आकर अपने पिता से कहा कि पिताश्री, मुझे पता लग गया है कि आपने मुझे घर से क्यों निकाला, क्योंकि मैं फिजूल खर्ची हूँ। आपने मुझे अनेक बार समझाया, मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी। अब मुझे परिश्रम का, मेहनत का पता लग गया है, कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। ये देखिए, मैं 5 दिन तक मजदूरी करके 10 रुपया कमा करके लाया हूँ, मुझे आप घर में रख लीजिए, मैं आगे से कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करूँगा। तो कहते हैं लोहार ने बच्चे के हाथ से 10 रुपया लिया और उठा करके जलती हुई भट्टी में उस 10 के नोट को फेंक दिया। इसको देख करके वो बच्चा चिल्ला पड़ा कि पिताजी, आपने ये क्या कर दिया, आपको क्या पता मैंने कितनी मुश्किल से ये पैसे कमाए थे। तब लोहार ने बच्चे को पास में बिठा कर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं तुझे यही बताने के लिए ये 10 रुपया मैंने आग में डाले हैं कि तुझे पता चले कि जब तेरी मेहनत से कमाई हुई चीज़ को कोई व्यक्ति फिजूल में उड़ा देता है, नष्ट कर देता है, तो तेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। तू मेरा एकलौता पुत्र है, तुझे हमने घर से निकाला, तू 10 रुपया कमा करके लाया, तेरी कमाई को मैंने आग में डाल दिया। इस घटना को तू जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। तो हमारा बहुत अच्छा पुत्र बनकर हमें एक अच्छी संतान का सुख, एक अच्छी प्रजा का सुख हमें तेरे से प्राप्त हो सकता है। बच्चा बहुत रोया, उसने माँ बाप से माफ़ी मांगी। कहते हैं उस घटना के बाद में वो लोहार का पुत्र बहुत ही श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो गया। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। आयु वेद माता का पहला वरदान, प्राण वेद माता का दूसरा वरदान, प्रजा वेद माता का तीसरा वरदान। जिस व्यक्ति के जीवन में वेदों का सत्संग है, ऋषि मुनियों का सत्संग है, घरों में महापुरुष लोग आकर पारायण यज्ञ कराते हैं, वेद कथाएं करते हैं, सुंदर उपदेश प्रदान करते हैं, उसका प्रभाव छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पड़ता है। माता पिता कथा प्रवचन सुनने के लिए मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से आकर अच्छी कथाओं को, वेद की अच्छी बातों को जब बच्चों को सुनाते हैं, उसका असर बच्चों में पड़ता है। प्रजा की अनेक महान गुणों में एक बहुत जरूरी गुण ये भी है कि वो अपनी बुद्धि से आपने जितना कहा है उससे बढ़िया काम करके दिखाए। आपने बच्चे से कहा कि बेटा, सामने कुछ जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, उनको ठीक करो, और वो बच्चा जाकर वो जूते चप्पल ठीक करके आता है, लेकिन अगल बगल में बिखरे हुए कपड़े उसे दिखाई नहीं देते, तो वो आपकी प्रकृष्ट प्रजा नहीं है। आज्ञा पालन तो करती है, परंतु अपनी बुद्धि से परिस्थिति का आकलन करके उससे अधिक काम नहीं करती। बजरंग बली हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो बुद्धिमानों में वरिष्ठ थे। श्रेष्ठ संतान बुद्धिमताम वरिष्ठम होनी चाहिए, उसे जितना काम कहा जाए उससे भी बढ़कर कुछ और करने की लगन हो, सूझबूझ हो। जिस समय हनुमान जी श्री राम जी की आज्ञा से भगवती सीता जी की तलाश करते हुए श्रीलंका में पहुँचे, लंका में गए, वहाँ जाकर के उन्होंने सीता जी से सारी हालात को समझने के बाद में, अगर वो एक साधारण प्रजा होते, साधारण अनुयायी होते, तो सीता जी की खबर लेकर चुपचाप चले आते। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, जो श्रेष्ठ प्रजा होती है, जो श्रेष्ठ शिष्य होता है, जो श्रेष्ठ अनुयायी होता है,
वो अपनी बुद्धि से अपने गुरु का, अपने स्वामी का, अपने माता पिता का, उन्होंने जितना कहा है उससे अधिक काम करके दिखाती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं लंका में तो आया ही हुआ हूँ और रावण के साथ अगर ये सीता जी को लौटाता नहीं तो युद्ध करने की स्थिति आ सकती है, इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं इस देश का सर्वे करके जाऊं, इस देश का पूरी तरह से नक्शा देख करके जाऊं कि यहां क्या कुछ है। इस खोज में जिस समय हनुमान जी निकले, हनुमान जी को पकड़ लिया गया और श्रीलंका में आग लगाने की बात विश्व प्रसिद्ध है। हनुमान जी उस घटना के अंदर भी श्री राम जी का बहुत बड़ा काम करके आते हैं, पूरी लंका में आग लगाकर, पूरी लंका में अपनी धाक जमा करके आते हैं और दुश्मन को ये लगता है कि जिसका सेवक ही, जिसकी प्रजा ही इतनी महान हो वो स्वयं कितना बलवान होगा। तो इस तरह से जो अच्छी संतान है, अच्छे बेटे और बेटियां हैं, वो अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से जितना काम उनको कहा गया है उससे अधिक करके दिखाते हैं। कहते हैं एक गांव में एक विधवा रहा करती थी, उसका एकलौता पुत्र माता की आज्ञा का पालन करता हुआ अपनी पढ़ाई भी करता था। वो विधवा कभी अपने एकलौते बेटे को लेकर बैठती थी और उससे कहती थी कि बेटे, तेरे पिता जीवित होते तो तुझे भी और बच्चों की तरह घुमाते फिराते, मैं तेरी अकेली विधवा माँ हूँ, अगर दूसरे बच्चों की तरह तुझे घूमने फिरने के लिए अवसर न मिले तो तू अपने मन को भारी नहीं करना। दुनिया में बहुत बार ये देखा जाता है अमीर घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं और जिनके ऊपर बचपन से कोई न कोई दायित्व तो आ जाता है उनकी बुद्धि खुल जाती है। विशेष करके धर्मशास्त्र की चर्चा अमीर घरों में ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए घटनाएं कम होती, बच्चे बचपन से ही माता पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति का उपयोग करने लगते हैं, बढ़िया कारों में घूमते हैं, मोटरसाइकिल में घूमते हैं, तरह तरह के होटलों में खाना पीना, नाना प्रकार के भोग विलास में उनकी प्रवृत्ति बनती है। सुंदर शिक्षा लेने का अमीर घरों में बच्चों को बहुत कम अवसर प्राप्त है। गरीब घर के बालक रोजमर्रे जीवन में लगने वाली ठोकरों से कुछ न कुछ सीखते हैं, अमीर बालकों को ये सीखने का अवसर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया जब कभी भी समृद्धि आए, साधन आए तो घर के भीतर धर्म कर्म के काम ज़्यादा कर देने चाहिए ताकि संतानों में दुर्गुण ना आए। आज अगर हम दिल्ली जैसे महानगरों में, मुंबई जैसे महानगरों में उन सभी नौजवानों का सर्वे करें जिनके जीवन और चरित्र किस तरह के चल रहे हैं तो हम ये पाएंगे कि समृद्ध घर के लड़के लड़कियों में विकार ज़्यादा आ गए हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता, वेद माँ का वरदान बच्चों को मिले घरों के अंदर, वेद का स्वाध्याय, वेद मंत्रों का मनन चिंतन होना चाहिए। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो नित्य प्रति अग्निहोत्र करने के बाद में किसी न किसी एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करते हैं और घर के छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप के साथ बैठ करके मंत्रों को सुनते हैं और वो बालक बड़े होने के बाद में बचपन की इस घटना को याद करते हैं, उसके प्रभाव में रहते हैं। कहते हैं गांव की वो महिला, विधवा महिला अपने बच्चे से ये कहा करती थी कि मेरे बच्चे, अमीर घर के माँ बाप की तरह हम तुम्हें कोई सुविधा तो नहीं दे सकते, मैं अकेली तेरी माँ हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि मेरा बेटा एक दिन इतनी पढ़ाई करेगा, इतनी अच्छी नौकरी करेगा, इतना धन कमाएगा कि हम भी इस गांव के अमीर लोगों जैसी अमीरी को, सुख सुविधा को जरूर प्राप्त करेंगे। मेरे पुत्र, तू मेरी आशाओं का दीपक है, कभी निराश न हो करके अपने कर्तव्य को करते रहना और अपनी विधवा माँ की भावना को समझते रहना। तो कहते हैं एक दिन किसी दूर गांव से रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु की खबर उस माता के पास में आई और माता किसी के यहाँ उन दिनों कार्य कर रही थी। माता ने बच्चे से कहा कि बेटे, हमारी बिरादरी में मृत्यु पर जरूर जाया जाता है, अब घर में हम दो ही प्राणी हैं,
मैं फलाने के घर में काम कर रही हूँ, अगर मैं चली जाती हूँ तो मेरी नौकरी छूट जाएगी क्योंकि 4-5 दिन आने जाने में लगने हैं, इसलिए बेटे तेरी छुट्टियाँ भी हैं, तू अगर हिम्मत करे तो उस गांव में तू जा कर के हमारी तरफ से मातमधारी में तू सम्मिलित हो। तो बच्चे ने कहा कि माँ, मैंने कभी भी आपके कथन को ठुकराया नहीं, आप मुझे आशीर्वाद देकर के जहाँ भेजेंगी मैं तत्काल वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। उस दिन दोपहर बाद का समय हो रहा था, उस गांव में जाने का रास्ता लंबा था लेकिन आज ही निकलना जरूरी था। तो कहते हैं माँ ने बच्चे को उसके कुछ कपड़े उपड़े तैयार करके और एक छोटा सा लालटेन जलाकर उस लालटेन को हाथ में देकर के कहा कि मेरे बेटे, क्योंकि सांझ का समय हो रहा है, रास्ते में कुछ जंगल का रास्ता भी आता है, तू डरना नहीं, लोग आते जाते रहते हैं, सिर्फ इस जंगल की बात है, उसके बाद में तो गांव का रास्ता बनता है, तू पहुंच जाएगा, 3-4 घंटे में तू वहां पहुंच जाएगा। कहते हैं बालक के हाथ में छोटी सी लालटेन जलाकर उस माँ ने दिया। लालटेन को लेकर वो बच्चा उस गांव में जाने के लिए अपनी माँ से विदा लेके निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद में दिन ढल जाता है, सांझ उतर आती है, धीरे धीरे जब अंधेरा पड़ने लगता है तो लालटेन का प्रकाश उसके रास्ते में उजाला पैदा करता है। वो लड़का ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा था त्यों त्यों जंगल का सुनसान दृश्य उसके सामने था। इतने में अचानक कहते हैं बच्चे के मन में एक ख्याल आया। उस ख्याल के आते ही उस लड़के की जो कदम की गति है वो कम हो गई और थोड़ी दूरी पे पहुंचते ही उसने एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर अपना लालटेन रखा और वहीं पर वो अपने सर को हथेली में लेके वहीं पे बैठ गया, चिंता में मग्न हो गया। गांव का एक आदमी उसी रास्ते से अपने पशुओं को चराने के बाद में थोड़ी देरी से लौट के आ रहा था। उसने देखा कि हमारे गांव की एक विधवा बहन का बेटा है, बड़ा ही आज्ञाकारी है, बहुत ही समझदार है, लेकिन इस रात्रि की बेला में ये लालटेन लेकर के कहाँ जा रहा है, अगर कहीं जा रहा है तो ये यहाँ बैठ क्यों गया है। उसने पास में जाकर बच्चे से कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं बच्चे ने खड़े होके कहा कि चाचा जी, हमारी रिश्तेदारी में फलाने गांव में मृत्यु हुई है, मेरी माता जी ने वहाँ सम्मिलित होने के लिए मुझे भेजा है, इसलिए मैं चल तो पड़ा हूँ लेकिन अब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। कहते हैं उस व्यक्ति ने पूछा कि बेटा, जब तू घर से वहाँ जाने के लिए निकला है तो अब तुझे मुश्किल क्या हो गई है, तू लालटेन भी लिए हुए है? तो लड़के ने कहा, मेरा ध्यान घर में इस बात पर नहीं गया कि ये जो छोटी सी लालटेन मेरे पास में है इसका अच्छी तरह से प्रकाश तो 10-15 फुट जमीन तक ही है, 10-15 फीट की रोशनी को लेकर के मैं इतना लंबा जंगल कैसे पार कर सकता हूँ, जंगल की लंबाई रास्ते की लंबाई बहुत है और रोशनी की लंबाई बहुत कम है, मैं गणित पढ़ता हूँ, गणित के अनुसार ये हिसाब ठीक बैठ नहीं रहा, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं चिंता में बैठा। तो कहते हैं उस गांव के समझदार व्यक्ति ने कहा कि इस बच्चे ने माता की आज्ञा का पालन तो किया लेकिन अपनी समझदारी में भी एक नासमझी को स्थान दिया, इसलिए ये रुक करके बैठ गया है। उसने कहा, बेटे इस लालटेन का प्रकाश 10-15 फीट तक है, अगर तू इस लालटेन को लेके तू बैठा रहे लेकिन अगर तू इस 10-15 फीट तक प्रकाश देने वाली लालटेन को लेकर चलता रहे तो सैकड़ों किलोमीटर भी इसका प्रकाश जा सकता है। सवाल चलने का है, तू अगर रुक जाएगा तो प्रकाश बहुत थोड़ी दूरी तक ही रहेगा, अगर जलते हुए प्रकाश को लेकर तू चलेगा तो अंधेरा चाहे कितने ही किलोमीटर का क्यों ना हो उस सब अंधेरे को ये प्रकाश चीरता हुआ चला जाएगा। कहते हैं बच्चे को ये बात समझ में आई और वो वहाँ से जाकर सम्मिलित होता है, लौट के आता है और अपनी माँ से जब ये घटना सुनाता है तो माँ बताती है कि देखो बेटे, तुमने एक अच्छे व्यक्ति का सत्संग किया, उस रास्ते में मैं तो थी नहीं तुम्हें समझाने के लिए
लेकिन एक अच्छे व्यक्ति ने तुम्हें ऐसा सत्संग दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि तुम अपने रुके हुए कदमों में फिर से गति प्राप्त करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए हो। मेरे पुत्र, तुम सदा अच्छे लोगों का संग करना, अपने से ज़्यादा जानकार लोगों के पास में बैठ कर के कुछ न कुछ नई बात को सीखना। आज बेटे और बेटियों में सत्संग करने की प्रवृत्ति नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोनों में ही सकार है, सत्संग में भी स है और सिनेमा में भी स है। आज के बच्चे सिनेमा जाना पसंद करते हैं लेकिन सत्संग जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर हम गौर से विचार करें, जितनी भी पिक्चरें दिखाई जाती हैं जिनके प्रति हमारे बच्चों में बहुत ही ललक है, बच्चों में पागलपन है, उसमें सिर्फ इंसान के विकारों को उभारा जाता है। इंसान के अंदर जो वासना है उसको उभारा जाता है, इसलिए पिक्चरों में अश्लील दृश्य फिल्माए जाते हैं। इंसान के भीतर क्रोध है, इसलिए पिक्चर के अंदर लड़ाई और झगड़े मारकाट दिखाई जाती है। व्यक्ति के भीतर लोभ है, पिक्चरों के अंदर तरह तरह के चीटिंग की घटनाओं को दिखाया जाता है। जब तक व्यक्ति अच्छे सत्संग नहीं करता है, वेद माता का स्तवन नहीं करेगा, तब तक उसे श्रेष्ठ संतान का वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है। वेद में कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिनके माध्यम से बच्चे के पैदा होते ही तरह तरह के संस्कार करने का विधान भी है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने गर्भाधान से लेकर के बालक के आह्वान के लिए कई मंत्रों से संस्कार करने का विधान किया है। वेद मंत्रों में ही ऐसी सुंदर मंगलमय प्रेरणाएं हैं कि बालक के अंतःकरण के संस्कारों को बढ़िया बनाया जाता है। संस्कार का मनुष्य के जीवन में इतना ही स्थान है जितना कि भोजन बनाते समय, दाल सब्जी बनाते समय उनके ऊपर लगने वाला छोंक मसाले का महत्व होता है। आप कितना भी अच्छा भोजन में अच्छी दाल बनाइए, अगर उसमें आप छोंक न लगाएं, तड़का न लगाएं, मसाले न डालें तो दाल का स्वाद बढ़िया बनता नहीं। इसी तरह इंसान कितने भी अमीर घर में क्यों न पैदा हुआ हो, बालक कितना भी सुविधाओं में पैदा क्यों न हुआ हो, अगर उसको हमने अच्छे सत्संग का छोंक नहीं दिया, अच्छे प्रवचनों का, अच्छे गुरुजनों के संग का उसको हमने संस्कार नहीं दिया तो उसका जीवन आकर्षक नहीं बन सकता है।